यौन हिंसा मामले को लेकर दिग्विजय सिंह के फेक ट्वीट ने प्रदेश की राजनीति गर्मा दी है। अब पोस्ट को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह का ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने की मांग कर दी है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने देश प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द की सुपारी ली है। बिहार की घटना को मध्य प्रदेश के खरगोन की बताकर ट्वीट किया। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के आरोपी को भी मेरे क्षेत्र का आरोपी बताया था। विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिग्विजय सिंह अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए समाज में विघटन पैदा करते रहते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। बहरहाल अब देखना है कि बीजेपी के बार का कांग्रेस किस तरह से पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।